वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों स्वागत है तुहाडा ब्रीफ पंजाब चैनल विच। अज दी वीडियो विच असी चानना पावांगे एक अजिहे सिख योधे जरनैल बारे जिसने 90 सालां दी उम्र दे विच अंग्रेजां नूं भाजड़ां पा दित्तियां सन, जिन्हां दा नाम सी बाबा हनुमान सिंह जी ते जिन्हां नूं अकाली हनुमान सिंह जी दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। सिख कौम जो कल्ले भारत कल्ले इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया नूं जितण दा जज्बा रखती है, पर इस कौम दे खालसा राज नूं गदारियां ने तबाह कीता सी। अजिहा कुछ ही बाबा हनुमान सिंह जी नाल भी होया। बाबा हनुमान सिंह जिन्हां अगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह भी सिर झुकाउंदे सन, किसने कीती सी बाबा हनुमान सिंह जी नाल गदारी? जानण लई इस वीडियो नूं अखीर तक जरूर देखियो ते अगे शेयर जरूर कर दिओ। ये तो आप सारे ही जानते हैं कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने सारियां मिसलां अपने अधीन कर लिया सन, पर एक मिसल एक फौज अजिही सी जो कदे भी किसी राजे जा किसी होर दी गुलाम नहीं रही, हमेशा ही आजाद रही सी। इस फौज नूं अकाली फौज के नाम नाल जाणिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह इस नूं अकाल रैजीमेंट के नाम नाल बुलाउंदे सन। इस अकाल रैजीमेंट विच नीले बाणियां वाले तलवारां नाल लैस हत्थां विच लम्मे नेजे फड़ी निहंग सिंह शामिल हुंदे सन, जिन्हां दी अगवाई अकाली फूला सिंह करदे सन। पर नौशहरे दी जंग विच अकाली फूला सिंह जी शहीदी पा गए, जिस तों बाद अकाली फौज बुढ़ा दल दे मुखी अते अकाल तख्त दे जथेदार अकाली बाबा हनुमान सिंह जी नूं बनाया गया। फिरोजपुर जिले के पिंड नरंग सिंह वाला जो कि जीरे के विच पैंदा है, उत्थे बाबा हनुमान सिंह जी का जन्म होया सी, जिन्हां नूं वेख के सारा भारत ते अंग्रेज हैरान होंदे सन कि सारा पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अगे झुकदा, पर महाराजा रणजीत सिंह खुद अगे बाबा हनुमान सिंह अगे सिर झुकाउंदा है। उन्हां समयां विच सिखां दे दो वड्डे दुश्मन सन, अंग्रेज अते अफगान। महाराजा रणजीत सिंह जानते सन कि दोहां दुश्मनों का सामना करना औखा, जिस करके महाराजा रणजीत सिंह अते अंग्रेजां विचकार संधि होई, जिस दे मुताबक सतलुज दरिया नूं बार्डर लाइन बनाया गया। सतलुज के मालवे वाले पासे अंग्रेज सन अते माझे वाले पासे शेरे पंजाब। यह संधि अंग्रेजां ने आप खुद आके कीती सी, क्योंकि अंग्रेज भी ये चंगी तरह जानते सन कि शेरे पंजाब उस वक्त एशिया की सब तो वड्डी शक्ति सन, पर इधर अकाल रेजीमेंट किते ना किते इस संधि के विरोध में सी। पर समा बीतता गया ते डोगरिया ने अंग्रेजां नाल मिलके सिख राज खत्म कर दिता। महाराजा रणजीत सिंह दे सारे पुत्र अते उत्तराधिकारी मार दिते गए। सिख फौजां लगातार अंग्रेजां हथों डोगरिया की गदारी करके हार रही सन। इस तो बाद फिर महाराणी जिंद कौर बाबा हनुमान सिंह जी ने एक चिट्ठी लिखती है, जिस चिट्ठी को पढ़ते ही अकाली हनुमान सिंह जी का खून खौल उठा ते वो अपनी फौज लेके जंग के मैदान वाल तुर पे। उस वक्त बाबा हनुमान सिंह जी की उम्र 90 साल हो चुकी सी। मैदान में जाके बाबा जी ते उन्होंने सिपाहियों ने निहंग सिंघां ने अंग्रेजों की फौज के नाल लोहा लिया। अंग्रेजों नाल जंग लड़दे ही एक दिन बाबा जी अपने 2000 निहंग सिंघां दे नाल विश्राम करने लई गुरद्वारा दूख निवारण साहब चले गए, जिथे शाम नूं अजे सिंह लंगर पानी ही तैयार कर रहे सन कि इस वक्त पटियाले दे महाराजे करम सिंह ने गदारी करके अंग्रेजों नाल मिलके बाबा हनुमान सिंह अते निहंग फौजा उत्ते तोपां दे नाल हमला कर दिता। पर फिर भी बाबा हनुमान सिंह डट के मैदान में खड़े रहे। इस धोखे नाल कीते हमले में 1500 के करीब सिंह शहीद हो गए ते बाकी दे 500 सिंह बाबा हनुमान सिंह जी दे नाल जंग विच जूझदे अगे वध रहे सन कि अचानक एक तोप का गोला आके बाबा हनुमान सिंह जी नूं लगता है। होर भी बहुत सारे फट उन्हां दे शरीर उत्ते लगे सन। अखीर ज़्यादा जख्मी होण करके बाबा हनुमान सिंह जी मोहाली दे सुहाणे पिंड कोल आ के अपने सुवास त्याग गए, जिथे हुण बहुत वड्डा गुरद्वारा साहिब बनिया होया है। ये सी कहानी बाबा हनुमान सिंह जी की बहादरी की। वीडियो वधिया लगी तो अगे शेयर जरूर कर दिओ। अपने विचार इस वीडियो संबंधी कमेंटा में जरूर दस्यो। इस तरह दिया होर वीडियो ले ब्रीफ पंजाब चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लिओ। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह।